नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत तो है ओके क्वेश्चन पेपर देखने वाले कि कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको भी पता होना चाहिए ओके बी फार्मेसी फिफ्थ सेमिस्टर के अंदर है तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स आपको भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ओके तो देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आई होप कि आप तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया होगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का पेपर तो जो हमारा एग्जाम होता है फ्रेंड्स एग्जाम कितने मार्क का होता है तो सेवेंटी फाइव मार्क का एग्जाम होता है ओके दोस्तों तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्लासीफाई एंटी इस्टामिक सॉरी एंटी इस्टामिनिक एजेंट विथ स्ट्रक्चर ऑफ ईच क्लास तो यहाँ पर जो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है तो उसके आपको क्लासिफिकेशन लिखना है पूरा क्लासिफिकेशन के बाद उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है जो ड्रग्स है तो ड्रग्स के यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी लिखना है हर क्लास के ओके सिं नेक्स्ट क्या कहता है देख लीजिए गिव सिंथेसिस ऑफ प्रोमिथेजाइड हाइड्रोक्लोराइड एंड सीमेटेडिन ओके एक ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सीमेटिडाइन है ना तो सीमेटिडाइन का सिंथेसिस कहीं पर भी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो वहाँ पे आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा मतलब मिलेगा तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेन मार्क का क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन एंटी एंटीस्टामिनिक एजेंट विथ स्ट्रक्चर ऑफ ईच क्लास गिव सिंथेसिस ऑफ प्रोमिथेजाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड सीमेटिडाइन तो ये देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिए को इसका सिंथेसिस कहीं पर भी पूछा जाता है ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों राइट right एंड and... एग्जीक्यूटिव नोट ऑन द एंटीबायोटिक एजेंट तो यहाँ पर नोट लिखना है आपको एंटीबायोटिक एजेंट के ऊपर आप कैसे नोट लिखेंगे आप एंटीबायोटिक के एजेंट के ऊपर फर्स्टली आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है एंटीबायोटिक एजेंट होते क्या है बाद में इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे आप एंटीबायोटिक एजेंट के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे आप क्लासिफिकेशन लिखने के बाद उसके कुछ स्ट्रक्चर निकालेंगे आप मेन मेन जो होते हैं इंपॉर्टेंट जो होते हैं ड्रग तो उनके स्ट्रक्चर आप लिखेंगे आ, सार लिखेंगे सार लिखने के बाद उसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स मोड uh, ऑफ एक्शन ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हो एंटीबायोटिक एजेंट के अंदर ओके इतना लिखने के बाद आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे आप इजी तरीके से पेपर सॉल्व भी कर सकते हो तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों क्लासिफाई एन्यो एजेंट ओके एंटीनियो प्लास्टिक एजेंट का क्लासिफिकेशन लिखना है आपको नेक्स्ट डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्कलाइटिंग एजेंट एंड एंटी मेटाबोलाइट्स ओके जो अल्कलाइटिंग एजेंट है और एंटी मेटाबोलाइट्स है तो उसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है ओके okay. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी तो आपको ये भी क्वेश्चन करना चाहिए न्यो प्लास्टिक एजेंट का एंटी न्यो प्लास्टिक एजेंट का तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट देख लीजिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे फोर्थ नंबर का डिस्कस स्ट्रक्चर यूजेस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर है फ्रेंड्स तो उसका यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन लिखना है उसके यूजेस लिखना है उसका स्ट्रक्चर लिखना है आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं पूछा गया तो इसका क्लासिफिकेशन आप मत लिख लीजिए सिर्फ इसके यूजेस क्या है इसके अंदर जो ड्रग होते हैं तो ड्रग्स के स्ट्रक्चर लिख लीजिए और मोड ऑफ एक्शन लिख लीजिए जितना कहा है उतना ही लिखिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं पूछा तो क्लासिफिकेशन मत लिखिए ओके तो ये होगा फोर्थ नंबर का एमसीक्यू फिफ्थ नंबर का देख लीजिए दोस्तों गिव क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स तो डायरेटिक्स का यहाँ पे आपको पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है विथ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप यानी कि उसका सार भी आपको यहाँ पे लिखना है ओके राइट स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप ऑफ थायाजाइड्स डायोरेटिक्स जो थायाजाइड्स थाटिक्स है फ्रेंड्स तो उसका आपको यहाँ पे सार लिखना है दूसरे का नहीं लिखना ओके okay, तो ये हो गया फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन सिक्स नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए राइट सार ऑफ लोकल एनास्थेटिक जो लोकल एनास्थेटिक ड्रग है उसका आपको सार लिखना है गिव सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन एंड प्रोकेन ओके जो बेंजोकेन okay, है और प्रोकेन है उसका आपको सिंथेसिस लिखना है उसे आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसकी जो रिएक्शन है तो वहां पे आपको रिएक्शन लिखनी है ओके okay? तो ये होगा सिक्स नंबर का एमसीक्यू सेवन नंबर का देख सॉरी सेवन नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए राइट नोट ऑन एंटी एंजाइनल एंड एंटी आर्थमिक ड्रग जो हार्ट रिलेटेड ड्रग होते हैं जैसे कि एंटी एंजाइनल हो गए और एंटी आर्थमिक ड्रग हो गए तो इसका आपको इसका नोट्स लिखना है इसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इसका सार लिखेंगे क्लासिफिकेशन लिखेंगे आप इसका इसका एक या दो ड्रग का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाल सकते हो ओके okay, तो ये आप नोट के अंदर लिखना चाहिए आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आप एक पेज का लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क आ जाएंगे एट नंबर का देख लीजिए एट नंबर का क्या कहता है एट नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ नीचे तीन यहां पे गए क्वेश्चन तो आपको किसी भी दो क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है कौन कौन से सा देख लीजिए ए कोयागुलेंट एंड एंटी एजेंट और सी है सेक्स हार्मोन्स तो इन तीनों के ऊपर यानी तीन दिए गए यहाँ पर लेकिन आपको दो के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं तो आप दो पेज दो या एक पेज आप यहाँ पे लिख सकते हो वन एंड हाफ भी पेज आप यहाँ पे लिख सकते हो आपको अगर ज्यादा नहीं आ रहा तो शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो ओके फ्रेंड्स तो ये हो गए मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का क्वेश्चन पेपर ओके अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए फ्रेंड्स तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना हम आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कर देंगे और सारे क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले सभी टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स ओके okay, तो अगले वीडियो में हम अगले जो सब्जेक्ट है हमारा अगला सब्जेक्ट तो उसके ऊपर के क्वेश्चन पेपर देख लेंगे ओके तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपने आप तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना बिकॉज हम जब भी वीडियोज अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीलिए हमारे वीडियो देख सकते हो थैंक यू